होता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं और बोलते हैं कि अब आप पता ना कि ना यूट्यूब पे शायद मुझे दिखना शुरू हुआ कि हमारे चैनल के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया जी सर। बट मैं यहाँ पे उन सबसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत सारी वीडियोस में ऐसा होता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं और बोलते हैं कि अब आप बताओ इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, तो बच्चा तो वहीं पे ही उसका उसका जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर ही नहीं हुआ ना। आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसे मत बोलो कि अब आप बताओ कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। कंसेप्ट अगर समझाना, जैसे इनका एक डाउट है कि अगर हमें साइंस को समझना है और कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर उन वीडियोज को बनाने का कोई फायदा नहीं, फिर आप एक साइंस टीचर नहीं, फिर आप एक जादूगर के तरीके से काम कर रहे हो। लेकिन अगर हम एक कंसेप्ट को एक मिनट के अंदर, सर एक मिनट बहुत कम होता है, एक मिनट के अंदर एक्सपेरिमेंट भी दिखाना, उसके कंसेप्ट को भी पूरा समझा देना, तो ये काम हर एक कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपकी आपकी बात को ऊपर रखते ऐसे कहूंगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास यूट्यूब से रेवेन्यू भी आने लग गया है, तो उस पैसे को हम इस्तेमाल करने लग गए हैं, चीजों को अलग लेवल पे लेके जाने वाले हैं, ताकि हम हर चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो बनाना शुरू करें। सर मैंने आपकी सारी वीडियोज देखी है।